नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तेंदुखेड़ा जिले के प्रभारी कलेक्टर भरत यादव ने तेंदुखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत सामुदायिक केंद्र तेंदुखेड़ा और रौसदा में पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए वैक्सीन टीकाकरण में गति लाने, तेंदुखेड़ा स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य सुविधाओं की नगण्यता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से एक आयुष डॉक्टर और 3 और स्टाफ नर्स तत्काल प्रभाव से भेजे जाने के निर्देश देते हुए ऑक्सीजन सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता के साथ आवश्यक उपकरणों के दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में संकट की घड़ी में हम सभी को मिलकर कोविड से सफलता अर्जित करना है और नगर के लोगों के सहयोग लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं की जो कमी है उनको समय रहते तत्काल प्रभाव से पूर्ण करना है। इस स्तर पर जो कर्मचारी कार्य करते हैं कोविड से लड़ने में, सफाई करने में, CSC सेंटर में भी जो स्थानीय निचले कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें सही मास्क भी नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, PPE जो किट रहती है वो भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ करेंगे आप? ये PPE किट सबको पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन जो कोविड बाद में अंदर जाता है उसको PPE किट जरूरी है। बाकी सही मास्क होना चाहिए, फेस शील्ड होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें सबको दिलाई जाएंगी। डॉक्टर साहब भी, GM साहब भी हमारे साथ हैं, SDM साहब हैं, सभी लोगों को उस सामान की कोई कमी नहीं है। दान से भी मिल रहा है, साथ की सप्लाई से भी मिल रहा है, तो वो कोई भी हमारे जो कोविड बैरियर हैं, कोविड योद्धा हैं, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हो, चाहे सुरक्षाकर्मी हो, सफाई कर्मी हो, सबको जरूरी सामान मिले सुरक्षा का, ये सुनिश्चित करें। नवा मरीज बहुत निकल रहे हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हो रही है, सर उनके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी निश्चित तौर पर कोरोना फैल रहा है, फैला है, हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि इसको फैलने ना दें, इसको कंटेन करें। यहाँ तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अभी करीब 15 जो है स्वास्थ्य मरीज हैं, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन बेड भी हैं, बाकी हम ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी और बढ़ा रहे हैं, उनके सिलेंडर और भी जो दानदाता हैं सिलेंडर देना चाहते हैं, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर देना चाहते हैं, वो दें, यहाँ की भी क्षमता को बढ़ाएंगे और राजमार्ग चौराहा का जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी भी क्षमता को बढ़ाएंगे। अभी किल कोरोना अभियान भी चल रहा है जिसमें सर्वे हो रहा है गाँव-गाँव और उसके आधार पर भी लोगों की टेस्टिंग हो। आपके माध्यम से मेरा सभी आसपास के क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि कोरोना को हमको सबको मिलकर हराना है, सब मिलके उसमें प्रयास करें, सभी लोग टीका लगवाएं। 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को शासन निःशुल्क टीका लगा रहा है, यहाँ पे डेली टीका लगेगा, छुट्टी के दिन भी टीका लगेगा, निःशुल्क टीका लगवाएं, शिविरों में भी लग रहा है और 1 मई से 18 से 45 साल वाले लोगों को भी टीका लगने लगेगा, तो सब सम्मिलित प्रयास से ही हम जो है कोविड के इस प्रकोप को रोक पाएंगे। तो सभी का सहयोग इसमें ज़रूरत है, आपके माध्यम से सभी से मैं सहयोग की अपेक्षा। सरकार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने अभी कहा ना कि हमको कोविड को मिलकर लड़ाना है, जो हमें व्यवस्थाएं करना है वो हम व्यवस्थाएं करेंगे आप सबके सहयोग से, शासन के निर्देश से, लेकिन आप सबका सहयोग चाहिए क्योंकि बिना सहयोग के कोई भी परिणाम नहीं आएगा। आप सब सहयोग करें, सब एक रहें, एक दूसरे की मदद करें और शासकीय अमला भी दिन रात लगा हुआ है उनको भी सहयोग करें, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम जल्दी ही इस महामारी को पार करेंगे।